अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं अपनी रेसिपी में कोफ्ते। तो कोफ्तों के लिए मैंने लिए हैं, दो मैंने प्याज कट कर ली हैं, 6-7 हरी मिर्चें हैं जो मैंने बारीक बारीक काट ली हैं, और थोड़ा सा हमारा 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, लेकिन ये मैं सालन में डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी सिर्फ इसमें 1/2 चम्मच। और यहाँ मैंने एक अंडा लिया है और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है, 2 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्चें ली है कश्मीरी, और यहाँ थोड़ा सा हरा धनिया। तो अब चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सारी प्याज हमें इसमें मिक्स कर लेनी है, और ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, अंडा इसलिए मैं डाल रही हूँ जिन लोगों को नहीं बनाना आता, तो इससे हमारे ये कोफ्ते फूटते नहीं हैं, तो वही लोग इस्तेमाल करें, वरना अंडा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनसे ये कोफ्ते फूट जाते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें कटी हुई सारी हरी मिर्चें जो मैंने 6-7 बारीक बारीक काट ली थी। यहाँ मैं थोड़ा सा बस अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, थोड़ा सा डालना है हमें ये, इतना सिर्फ 1 चम्मच। और यहाँ मैं थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक हल्का सा डालना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना क्योंकि हमारा ग्रेवी में भी पड़ता है। यहाँ मैं 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड करूँगी, थोड़ी बाकी का मैं अब अपने इसको मसल लेती हूँ। देखिए इसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से अपने मिक्स कर लिए हैं। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस जी, चने में आपको बताना भूल गई थी, ये पिसे हुए चने हमें इसमें ज़रूर डालना है, इससे हमारे जो कीमा होता है, जो ये चिकन होता है, तो ये सिमट जाता है, ये ज़रूर डालना है। ये मैंने यहाँ 50 ग्राम चने हैं जो पिसे हुए हैं। चलिए इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है हमें। देखिए मैंने यहाँ पर अपना कीमा सारा मसालों के साथ मिक्स कर लिया है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज़, हमारा ये कढ़ाई मैंने यहाँ रख दी थी गैस पे, अभी गर्म हो चुकी है, तो मैं इसमें डालती हूँ तेल। ये हमारा 240 ग्राम का कप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक ये तेल होगा तब तक इंतज़ार करते हैं थोड़ा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो चुका, अब मैं यहाँ डालूँगी 102 लौंगे हैं, 2 या 3 काली सफ़ेद इलायची है और 2-3 काली मिर्चें हैं, और यहाँ दालचीनी थोड़ी सी। अब इसके साथ हम साथ के साथ डालेंगे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। यही मैं साथ के साथ डालूंगी हमारी प्याज। ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरीके से, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट जो मैंने डाला था उसको पका लेना है, खूब भून लेना है इसको, ताकि इसकी भले निकल जाए। और इसमें हमें साथ के साथ डालना है जो मिर्चें मैंने ली थी 1.5 चम्मच, और यही मैंने धनिया पाउडर 1 चम्मच लिया था, 1 चम्मच मैंने हल्दी ली थी 1/2 टीस्पून है ये, 1 चम्मच मैंने 1/2 टीस्पून का गरम मसाले का लिया था, वो भी डाल लेना है, इसे अच्छी तरीके से चला लेना है। और यहीं मैं डालूँगी नमक, मैंने स्वाद के अनुसार ही लिया है 1/2 चम्मच, क्योंकि थोड़ा सा हमने कोफ्तों में भी डाला था अंदर। अब इसे खूब भून लेना है, 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से हमारा मसाला भून जाए, तब हमें इसे इसमें कोफ्ते बना के डालने हैं। यहाँ मैं 1/4 कप लूँगी पानी, 1/2 कप का, ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून जाए।
यही मैं डालती जाऊंगी अपने कोफ्ते बना के। बिस्मिल्लाह। देखिए हमें इस तरीके से कोफ्ते बना लेने हैं, खूब अच्छी तरीके से उसको घुमा लेना है हथेली पे, ताकि हमारा कोफ्ता एकदम एक दूसरे से चिपक जाए, बिल्कुल चिकना बन जाए, ताकि वो फटे नहीं। देखिए और ऐसे ही डाल देना है। देखिए मैंने सारे कोफ्ते अब इसमें डाल दिए हैं, अब हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे, हिलाना नहीं है वरना हमारे कोफ्ते फट जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं कोफ्तों को भूनते हुए, तो अब हम इसको यहाँ से थोड़ा हल्के हल्के हाथ से घुमाएंगे, ताकि ये पलट जाए। इन्हें अच्छी तरीके से थोड़ा सा हिलाना है, ताकि हमारे कोफ्ते अच्छी तरीके से ऊपर नीचे घूम जाए। जब 10-15 मिनट हो जाएंगे तो ये थोड़े नीचे से टाइट हो जाते हैं, अगर हम जल्दी से कर लेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो इसे ध्यान रखें, थोड़ा देर में ही करें, कम से कम 10 से 15 मिनट मध्य मध्य आंच में इन्हें एक तरफ ऐसे ही पकने दें, अगर जल्दी कर लेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो देखिए मैंने 10-15 मिनट पूरे इनको एक तरफ से पकाया है, तो अब मेरे अच्छी तरीके से घूम रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से अब हमें कम से कम 10 मिनट तक और भूनना है, ताकि हमारे ये ऊपर नीचे जो हुए हैं वो भी पक जाए। देखिए फ्रेंड्स हमारे 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, तो मैं यहाँ डालूँगी थोड़ा सा पानी, 1/2 कप डालना है, ताकि अच्छे से हमारे थोड़ा इसमें शोरबा हो जाए, और अच्छे से चला लेना है। फिर मैं इसे ढक के रख दूँगी 10 मिनट तक, ताकि ये मेरे अच्छे से पक जाए। मैंने अच्छे से चला दिया है, अब मैं यहाँ पे डालूँगी इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, क्योंकि मेरे पास 10 मिनट और लगेंगे फिर मेरे कोफ्ते तैयार हैं। अब मैं यहाँ ढक दूँगी इसको 10 मिनट के लिए, मैं यहाँ इसको ढक दूँगी और ढक के पकाने हैं। देखिए गाइस हमारे इसको 6 मिनट कम से कम हो चुके हैं, तो मैं अब इसको खोल के देखती हूँ हमारे कोफ्ते पके या नहीं। तो देखिए ये हमारे कोफ्ते पककर तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर गैस को कर दूँगी बंद। देखिए गाइज़ मेरे कोफ्ते कितने अच्छी तरीके से बनके तैयार हो चुके हैं। तो यहीं मैं अपनी वीडियो को करती हूँ ख़त्म, और मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।